आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दे। श्रीलंका में नया मंत्रिमंडल आज शपथ ले सकता है। महिंद्र राजपक्षे की कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कल एक साथ पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, आज नए मंत्रिमंडल की शपथ संभावित है। आज नया मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। कल पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। आपातकाल के बीच में, कर्फ्यू के बीच में प्रदर्शन रुक नहीं रहे। महंगाई को लेकर के लोग सड़कों पर हैं और लगातार आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है श्रीलंका में, और कहा जा रहा है कि अब कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। फिलहाल महिंद्रा राजपक्षे ही बने रहेंगे प्रधानमंत्री। पूरी की पूरी कैबिनेट ने पीएम को इस्तीफा दे दिया जनता को शांत कराने के लिए। जनता में अब भी हाहाकार है, जनता सड़कों पर है, जनता प्रदर्शन कर रही है, महंगाई से वो त्रस्त है। भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया, भारत तो पहले भी श्रीलंका की मदद कर चुका है। तो ये देखिए, सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहे लोग वहां पर महंगाई की मार से। हालांकि प्रदर्शन काफी वक्त से चल रहा था, लेकिन महंगाई की मार से जनता काफी ज्यादा त्रस्त है। श्रीलंका में महंगाई बेहिसाब पहुंची हुई है। आर्थिक संकट के बाद अब सियासी खलबली भी है। पूरी कैबिनेट ने दे दिया इस्तीफा, आज नए चेहरे मंत्रिमंडल की शपथ ले सकते हैं। तो श्रीलंका में महंगाई बेहिसाब पहुंची हुई है। अब जरा कीमतों से अंदाजा लगाइए। एक कप चाय का 100 रुपए का है, एक पैकेट ब्रेड वहां 150 रुपए का मिल रहा है। एक लीटर दूध की कीमत है 263 रुपए, वहीं पेट्रोल प्रति लीटर 254 रुपए है, चावल प्रति किलो 500 रुपए है, जो कि स्टेपल फूड है श्रीलंका का। चीनी प्रति किलो 290 रुपए है। रसोई गैस का सिलेंडर 4000 पार कर गया, 4119 रुपए है। मिल्क पाउडर 1900 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ये कीमतें श्रीलंकाई रुपयों में है। अब एक कप चाय के लिए एक आम आदमी कहां से 100 रुपए दे सकता है, और एक ब्रेड के लिए कहां से वो 150 रुपए दे सकता है। इस कारण से लोगों से रुका नहीं गया, लोग सड़कों पर उतर आए, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग लगातार गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं। इस कारण से फिलहाल तो एक आ गया कि ये सरकार को ही जाना होगा, लेकिन महिंद्र राजपक्षे बने रहेंगे। इस पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया, अब नई कैबिनेट का गठन हो सकता है। रसोई गैस का सिलेंडर देखिए 4000 पार कर गया है, रसोई गैस का सिलेंडर। चावल जो कि वहां का स्टेपल फूड है आम श्रीलंकाई का, वो 500 रुपए के पार है प्रति किलो। मिल्क पाउडर 1900 रुपए प्रति किलो है। आर्थिक तंगी से बदहाल श्रीलंका विरोध की आग में झुलस रहा है। हर तरफ आगजनी, तोड़फोड़ है। सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर है। हालात बद से बदतर हो चले हैं। श्रीलंका में कर्फ्यू के बावजूद जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोलंबो के बाहरी इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और उन पर पानी की बौछार की। श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कंगाल हो चुके श्रीलंका में महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दाने दाने को मोहताज हो चुके लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। देश की बदहाली के लिए लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नतीजा ये कि इमरजेंसी और कर्फ्यू भी नाकाफी साबित हो रही है। सरकार की नाकामी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अब तक 600 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे भी शामिल हैं। नमल श्रीलंका के खेल मंत्री थे, हालांकि पीएम महिंदा अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। बहरहाल श्रीलंका में हालात बेकाबू हो चले हैं।
जरूरी चीजों की कमी का सामना कर रहे लोगों ने सरकार को हटाने की मांग तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.